पिंक सिटी जयपुर में रविवार को ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024 का शुभारंभ हो गया। 7 मई तक जयपुर में आयोजित होने वाला ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024 का आयोजन इस बार बेहद अनूठा और यादगार साबित हो रहा है। आपको बता दें कि GITB के दौरान 11 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेडिंग प्लानर और 30 राष्ट्रीय स्तर के वेडिंग प्लानर्स को खास तौर पर आमंत्रित किया गया, जिसमें वेड इंडिया की परिकल्पना को साकार किया जा सके और राजस्थान का इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। गौरतलब है कि देश के 75% हेरिटेज किले और हवेलियां राजस्थान में ही हैं, और खास बात यह भी है कि लगभग 100 से अधिक हेरिटेज किले और हवेलियों में डेस्टिनेशन वेडिंग की जा रही है। राजस्थान पर्यटन की ये विशेषताएं राजस्थान को वेड इन इंडिया थीम को सफल बनाने में खासा योगदान दे सकती हैं। यही कारण है कि ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में वेड इन इंडिया थीम को प्रमुखता से स्थान दिया गया। देखिए, GITB का आज इनॉग्रल था और कल और परसों B2B मीटिंग्स हैं JECC में, तो इसमें विचार विमर्श तो होगा ही पैनल डिस्कशंस के माध्यम से, लेकिन इसके साथ ही जो बायर्स हैं, जो 50 से ज़्यादा देशों से आए हैं, 250 के आसपास बायर्स हैं, और जो भारत के सेलर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स अपनी डेस्टिनेशन मार्केट कर रहे हैं, उनके बीच में 11,000 से ज़्यादा मीटिंग्स हैं। और ये मीटिंग सबसे ज़रूरी हैं ये इंश्योर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भारत आए। तो ये अगले 2 दिन तक जो ये मीटिंग्स होंगी, इनसे भारत में जो पर्यटन है उसे बढ़ावा मिलेगा और कमर्शियल लेवल पे बिजनेस बढ़ेगा। देखिए, राजस्थान की भागीदारी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जो पर्यटक भारत की रॉयल्टी, भारत का जो एक राजसी ठाटबाट देखने आते हैं, वो सबसे पहले राजस्थान ही आना पसंद करते हैं। और देश के 75% से ज़्यादा हेरिटेज होटल्स राजस्थान में हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत सारी राजस्थान में है, राजस्थान के हर मौसम का अलग रंग है, यहाँ का खान पान, वेशभूषा और जो रंग हैं यहाँ के, वो हमने आज कल्चरल परफॉर्मेंसेस में भी देखे। तो मुझे लगता है कि राजस्थान जैसा तो कोई प्रदेश है ही नहीं देश में। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, ये पर्यटन विभाग जो राजस्थान का है, उनका एक स्पेशल इनिशिएटिव है ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार। फिक्की और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर के हर वर्ष अपन आयोजित करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की संख्या हम कैसे बढ़ाएं। और जैसा कि आपने देखा है, करीब 52 कंट्रीज से 240 फॉरेन टूर ऑपरेटर्स आए हैं, और जो राजस्थान के और पूरे कंट्री के जो काफ़ी जो सेलर्स हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, होटल्स चेन वाले लोग हैं, उनकी जो सारी हमने मीटिंग्स, करीब 10,000 से ज़्यादा 1-to-1 इनकी मीटिंग्स 2 दिनों में शेड्यूल की है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आने वाले टूरिस्ट सीज़न में किस तरह से हम बाहर के विदेशी टूरिस्ट की संख्या अपने राजस्थान में, इंडिया में बढ़ाएं। और आपने जैसा कि देखा होगा कि इस बार हमने थीम वेड इन राजस्थान वाली थीम रखी है, कि राजस्थान शुरू से ही एक बहुत ही वेडिंग्स के हिसाब से प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी वेडिंग्स भी यहाँ पे हुई है, जिससे कि दूसरे लोगों में भी एक बहुत अट्रैक्शन बढ़ा है। ट्रैवल बाज़ार का 13वां एडिशन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और अभी अभी इसका उद्घाटन समारोह यहाँ पे संपन्न हुआ है। सवेरे इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में वेडिंग से रिलेटेड बड़ी संभावनाएँ हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सेलिब्रिटी वेडिंग्स वगैरह हो रही हैं, तो उससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार का जो भी बल मिलता है, हमारा लोकल प्रोड्यूस, लोकल लोग, यहीं के युवाओं को भी रोज़गार मिलता है। तो निश्चित रूप से जो वेड इन इंडिया वाला एक्सपो है, उसी थीम को लेके हम ये पूरे प्रोग्राम में चले हैं। और अभी आपने जैसे कल्चरल प्रोग्राम भी देखा होगा, तो उसको भी हमने उसी तरह से क्यूरेट किया, जिसमें पूरा वेडिंग किस तरह से होता है, हमारे क्या रीति रिवाज हैं, राजस्थान की क्या पारंपरिक पोशाक हैं, किस तरह के जो है गान, किस तरह के यहाँ पे संगीत चलता है, कौन से गाने होते हैं, तो पूरा फ्लेवर जो था वो उसी तरह से था।